कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल की सजा पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल है, क्योंकि पार्टी को उम्मीद है कि जल्द ही राहुल की लोकसभा सदस्यता भी बहाल हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो अगले साल 2024 के चुनावी मैदान में राहुल गांधी अपना दमखम दिखा सकेंगे। एक तरफ कांग्रेस है तो वही दूसरी तरफ बीजेपी, जो लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर है और राहुल गांधी पर तंज कस रही है। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शनिवार को एक ट्वीट किया और ट्वीट की आड़ में कांग्रेस पर हमला किया। इस ट्वीट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पैराग्राफ भी साझा किए। उनका कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों को तथा कथित जश्न के बीच उजागर नहीं किया गया। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट किया और उनकी पोस्ट में वो हिस्सा भी शामिल है जिसमें शीर्ष अदालत ने गांधी को सार्वजनिक भाषण देते समय संयम बरतने को कहा था। हेमंत ने ट्वीट किया, पैरा आज सुप्रीम कोर्ट का कहना है, राहुल गांधी के बयान अच्छे नहीं है। सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय कुछ हद तक संयम बरतने की उम्मीद की जाती है और उसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। शर्मा ने कहा कि आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय में राहुल गांधी के 2019 के अवमानना मामले का स्पष्ट संदर्भ है, जिसमें बार बार अपराधी के रूप में उनकी विश्वसनीयता को रेखांकित किया गया है। असम के सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता ने आगे कहा कि पैरा 12 में माननीय सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट करता है कि रोक निचली अदालत में चल रही अपील प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगी। इससे पहले भी हेमंत बिस्व शर्मा ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गांधी का नाम लिए बिना एक ट्वीट में कहा था कि दोषी ठहराए जाने पर न्यायपालिका का दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन जब वो जमानत दे देती है तो जश्न मनाया जाता है। उन्होंने कहा था कि दोहरेपन की पराकाष्ठा, जब आप दोषी पाए जाते हैं तो आप न्यायपालिका का दुरुपयोग करते हैं, और जब वही न्यायपालिका आपको जमानत दे देती है तो आप कहते हैं कि न्याय की जीत हुई है। राहुल गांधी के मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें मोदी सरनेम से और उसको लेकर टिप्पणी की गई थी, और टिप्पणी पर मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई थी। आपको यहां बता दें कि गुजरात के पूर्व मंत्री प्रणेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। प्रणेश मोदी के अलावा कई अन्य बीजेपी नेताओं ने भी देशभर में राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।